जेके 24/7 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि जिला सांबा से इस समय की एक बड़ी खबर सड़क हादसे को लेकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि कुछ देर पहले जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग जिला सांबा के जतवाल के पास संदबड़ी इलाके में एक बड़ा सड़क हादसा पेश आया और इस सड़क हादसे में एक महिंद्रा लोड कैरियर गाड़ी जो कि हाईवे के बीचों बीच पलट जाती है और इस गाड़ी में 7 लोग सवार थे। ये 7 लोग भी जो है इस हादसे में घायल हुए हैं। आपको बता दें ये महिंद्रा लोड कैरियर गाड़ी जो कि पंजाब की तरफ से आ रही थी, सांबा की ओर जा रही थी और इस गाड़ी का नंबर मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, JK21F7536, जो कि ये पंजाब की तरफ से गाड़ी आ रही थी, सांबा की तरफ जा रही थी और इस हादसे में 7 लोग घायल हुए, जिस तरह से ये गाड़ी हाईवे के बीचों बीच पलट जाती है। आपको बता दें कि अभी तक सड़क हादसे के कारण का पता नहीं चल पा रहा, लेकिन अंदाजा लगाया जा रहा है कि शायद गाड़ी की या तो ओवर स्पीड थी या फिर जिस तरह से गाड़ी का शायद अगला टायर जो वो खुला, उसके बाद चालक गाड़ी के ऊपर से अपना नियंत्रण खो बैठा और गाड़ी पलट कर जो वो सड़क से नीचे उतर जाती है और इसमें जो लोग सवार थे वो इसमें घायल हो जाते हैं। वहीं अफरा तफरी का जब माहौल बना इस इलाके में, जब हादसा पेश आया तो लोग भी इकट्ठा हुए और उसके बाद पुलिस की मदद से और लोगों की मदद से घायलों को जिला अस्पताल सांबा में इलाज के लिए पहुंचाया गया, जहां इनका इलाज चल रहा है। पुलिस ने भी मामले का संज्ञान लिया है और आगे कार्रवाई पुलिस ने शुरू की है। ये बड़ी जानकारी इस समय की सामने आ रही है कि 7 लोग इस सड़क हादसे में घायल हुए हैं। स्क्रीन पर तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं सड़क हादसे की। जो हादसा यहाँ जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग जिला सांबा के जतवाल के पास संदबड़ी इलाके में पेश आया है, तो ये बड़ी जानकारी सड़क हादसे को लेकर सामने आ रही है और इसमें 7 लोग जो हैं वो घायल हुए हैं, जो कि ये गाड़ी पंजाब से सांबा की ओर आ रही थी। अभी तक एग्जैक्ट कारण जो है वो नहीं पता चल पा रहा सड़क हादसे का, लेकिन अंदाजा लगाया जा रहा है या तो टायर खुला गाड़ी का, जिस तरह से आप आगे वाला हिस्सा देख रहे हैं कि टायर खुल चुका है, टायर खुलने के बाद शायद गाड़ी का बैलेंस बिगड़ा और गाड़ी पलटकर सड़क के नीचे उतर गई या फिर ओवर स्पीड भी कारण हो सकता है। ये बड़ी जानकारी इस समय के सामने आ रही है सड़क हादसे को लेकर, जो सड़क हादसा जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग जिला सांबा के संदबड़ी इलाके में पेश आया। तो ये लगातार आप देख रहे हैं कि सड़क हादसों का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, आए दिन सड़क हादसे यहाँ पेश आ रहे हैं और अपील करेंगे कि गाड़ी की स्पीड जो वो आप कंट्रोल में रखें और ओवर स्पीड गाड़ी ना चलाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं ओवर स्पीड में जब गाड़ी चलती है तो सड़क हादसे होने का चांस जो वो हो जाता है, इसलिए सावधानी से गाड़ी चलाएं, यही अपील करेंगे। लेकिन बड़ी जानकारी सड़क हादसे को लेकर सामने आ रही है जिला सांबा से। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, JK24/7 न्यूज़ के लिए।